हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन आपके लिए लाए हैं सोना लो सोना जीतो स्वर्ण समृद्धि ऑफर। सियाचिन में हिमाचल का जवान शहीद। सियाचिन में हिमस्खलन की चपेट में आकर हिमाचल के सोलन जिला के कुनिहार का एक जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान मनीष ठाकुर गांव दोची कुनिहार का रहने वाला था। शहीद की पार्थिव देह आज हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ पहुंचने की उम्मीद है और परिजनों के पास पार्थिव देह बुधवार को ही पहुंच पाएगी। राठौर के अध्यक्ष बनने के बाद से हुई कांग्रेस की दुर्गति। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर द्वारा इन्वेस्टर मीट पर श्वेत पत्र मांगने और प्रदेश को कर्ज में डुबोने के आरोपों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने राठौर पर जवाबी हमला किया है। सत्ती ने कहा कि जब से कुलदीप राठौर अध्यक्ष बने हैं तब से कांग्रेस की दुर्गति ही हुई है। कांग्रेस के लोग अपने घर की चिंता करें, उनकी किस तरह की हालत है, क्या उनकी पार्टी के अंदर जब से वो अध्यक्ष बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर के मुकेश अग्निहोत्री तक, उस जो प्रदेश के उनके पूर्व मंत्री को धर्मशाला में चुनाव ना लड़ने का ऐलान करना पड़ा सुधीर शर्मा जी का, उनको इससे बड़ा कोई और आघात नहीं कांग्रेस को हो सकता कि उनके सबसे मजबूत प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से इनकार करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस की जो दुर्गति चल रही है उसको लगा इससे मेरी इमेज को भी नुकसान होगा, उसके कारण कांग्रेस की वहाँ जमानत भी जब्त हुई है। तो कांग्रेस की अपनी गुटबाजी क्या है, कांग्रेस उसकी चिंता करे। और कुलदीप राठौर जी इन सब बातों को हवा दे करके अपनी जो नाकामियां हैं, कांग्रेस की जो नाकामियां हैं उसको छुपाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ काम कर रही है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तालमेल बिठा करके आगे बढ़ रहे हैं, यही कांग्रेस को परेशानी है। पीडब्ल्यूडी चालक से मारपीट, ट्रक और जेसीबी के शीशे भी तोड़े। उपमंडल ज्वाली के अधीन कहरिया चौक पर निकासी नाली की खुदाई में लगी जेसीबी व सरकारी ट्रक के शीशे तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है। ट्रक ड्राइवर रशपाल सिंह के साथ भी मारपीट की गई। ट्रक चालक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। रॉबर्ट संघ वापस दिल्ली लौटी प्रियंका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ वापस दिल्ली लौट गई हैं। वे दिल्ली के प्रदूषण से राहत पाने के लिए रविवार से यहां आए हुए थे। दोनों रविवार को छराबड़ा पहुंच गए थे। ये पहला मौका था जब एसपीजी सुरक्षा के बिना प्रियंका शिमला पहुंची थी। इस दौरान उनके निजी सुरक्षा गार्ड थे। इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती पर कांग्रेस बीजेपी ने किया याद। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती मंगलवार को पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी मनाई गई। शिमला के रिज पर स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर सीएम जयराम ठाकुर ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर व अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी इंदिरा गांधी को याद किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री रही, उनकी आज जयंती है। इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित और साथ में राष्ट्र के लिए बलिदान, ये उनके जीवन से एक बहुत बड़ी जो है वो पूरे समाज के लिए जो एक बड़ा एक संदेश है। और प्रधानमंत्री के नाते उनने अच्छे कार्य किए और ऐसे में भारत जैसे नेतृत्व का लंबे समय तक नेतृत्व करना, उस दृष्टि से उनको हम आज स्मरण करते हैं इस अवसर पर और उनको उनके काम को भी स्मरण करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू। अजय श्याम फिर बने बीजेपी जिला महासू के अध्यक्ष। अजय श्याम एक बार फिर से बीजेपी जिला महासू के अध्यक्ष बन गए हैं। आज ठियोग में उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा भी मौजूद रहे। अजय श्याम ने सबका आभार जताते हुए पार्टी को और ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही है। खुले में जलाया जा रहा हजारों टन कूड़ा। शहर के हजारों टन कूड़े को नगर परिषद के कूड़ा संयंत्र बजूरी में इस्तेमाल किए जाने की बजाय खुले में जलाया जा रहा है।
बजूरी के आसपास के गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने के चलते अब पीएम मोदी के साथ एनजीटी को भी शिकायत लिखने का मन बनाया है। 13-14 साल हो गए, पर ज्यादा ही हो गया है। तो क्या क्या समस्या आती है इसकी वजह से? इससे क्या मक्खियाँ कौ सारे माला पर बैठा दे, पानी से खराब करा दे, फिर बीमारियां जो पूरी माखियां जो धुआं जो आए तो बड़े परेशान है। पोंग बांध विस्थापितों के लिए 28 नवंबर को बैठेंगे मरण व्रत पर। पोंग बांध विस्थापितों को इंसाफ दिलाने के लिए पोंग बांध विस्थापित बहुउद्देशीय सोसाइटी ने आवाज उठाई है। ग्राम पंचायत फारिया में हुई बैठक में कहा गया कि 28 नवंबर को राजा का तालाब DCR&R पोंग बांध विस्थापित बहुउद्देशीय सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वनी अवस्थी मरण व्रत पर बैठेंगे। HPU की इंटर कॉलेज वुमेन चैंपियनशिप में कोमल शर्मा ने थामा बल्ला। HPU की इंटर कॉलेज वुमेन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले के अवसर पर श्री बालाजी अस्पताल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग कांगड़ा की डायरेक्टर एवं नगर पार्षद कोमल शर्मा बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहीं। कोमल शर्मा ने भी बल्ले पर हाथ आजमाया। सुंदरनगर में खुला संस्कार एवं परामर्श केंद्र। प्राचीन महामाया मंदिर में मंगलवार को संस्कार परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। इसमें नशा मुक्ति रोजगार संबंधी जागरूकता के साथ संस्कारों को लेकर विशेष परीक्षण व परामर्श निशुल्क प्रदान किया जाएगा। संस्कार एवं परामर्श केंद्र महामाया मंदिर में आज जो शुभारंभ हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में गुरुकुली शिक्षा, संगीत इत्यादि का प्रारंभ होगा और इसी के साथ परामर्श में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विभागों द्वारा जो भी योजना हैं उनके विषय में अवगत करवाया जाएगा। वह हमारा विशेष प्रयोजन गांव-गांव रहेगा और जो हमारा संस्कार केंद्र है इसकी जो क्लासेज होंगी वह हर रविवार को 2 घंटे के लिए की जाएंगी। उसमें बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और निःशुल्क होगा यह सारा कार्य। इसमें किसी भी तरह से शुल्क अदा नहीं होगा। इसमें विशेष तौर पर हम लोग जो नशा आजकल विशेष तौर पर चला है उसके ऊपर फोकस रहेगा कि नशे से दूर किस तरह से करना है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन आपके लिए लाए हैं सोना लो सोना जीतो स्वर्ण समृद्धि ऑफर, जिसमें भूषण ज्वेलर्स से खरीदे शुद्ध सोने हीरे व चांदी के आभूषण और आप जीत सकते हैं लाखों के सुनिश्चित इनाम, 2.5 लाख की गोल्ड ज्वेलरी, 4 दिन और 3 रातों का दुबई टूर, 3 स्कूटी, 5 LED TV, 5 वॉशिंग मशीन व अन्य ढेर सारे इनाम। और ये ही नहीं, 100% BIS हॉलमार्क आभूषण एवं 100% buyback गोल्ड वैल्यू और सबसे कम मेकिंग चार्जेस। ऑफर वैलिड फ्रॉम 10 September to 14 December 2019। भूषण ज्वेलर्स, जहां है एहसास अपने पन का। लोअर बाजार सोलन।